हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ाइन सॉल्यूशन इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे बेडरूम डिज़ाइन के बारे में। बेडरूम डिज़ाइन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें डिज़ाइन करते टाइम ध्यान रखना चाहिए एक सक्सेसफुल डिज़ाइन को अचीव करने के लिए, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। अब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब भी हम लोग बेडरूम डिज़ाइन करेंगे तो जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहले होता है अपना कलर्स, सेकेंड लाइटिंग, थर्ड टेक्सचर लेयरिंग, फोर्थ डीक्लटर, फिफ्थ नेचर और सेंस। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से, कलर्स से। कलर जाहिर सी बात है किसी बेडरूम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग इंटीरियर एस्पेक्ट से अगर बात कर रहे हैं तो किसी भी इंटीरियर में कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मूड्स को लेकर भी और हमारे जो माइंड का कम्फर्ट जोन है उसे लेकर भी। ठीक है, अब जो बेडरूम है, बेडरूम के अंदर हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कम्फर्ट की। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पर रेस्ट करने के लिए जाते हैं, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब जब रेस्ट और रिलैक्स होने के लिए जाते हैं तो हमारा जो कलर सिलेक्शन अपने बेडरूम की वॉल्स के लिए, उसके बेडिंग्स के लिए, उसके फर्नीचर के लिए, उसके रग्स के लिए, फ्लोरिंग के लिए, या हम लोग फॉल सीलिंग की बात करें, हमारे फर्नीचर की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब रिलैक्सेशन, पूरा एक रिलैक्स होने का माहौल वहाँ पर क्रिएट हो जाए, पूरा एक मूड जो है रिलैक्सिंग मूड वहाँ पर बन जाए, हमें उस टाइप से अपना कलर सिलेक्शन करना चाहिए। जो कलर अपने को काम सेंसेशन प्रोवाइड करे वो कलर्स हम लोग यूज़ करेंगे। ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स को भी हम लोग कई सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे अपने बेडरूम्स की तो बेडरूम में ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स को यूज़ करने से हम लोग अगर बचें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसकी जगह पर हम लोग लाइट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाइट्स, ग्रीन्स, लाइट ब्लूज, ऐसे हम लोग कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें काम, कोजी और एक रिलैक्सिंग एटमोसफेयर वहाँ पर बिल्ड करके दे सके। और फिर भी अगर आप लोग वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करना ही चाहते हैं अपने रूम में तो आप लोग उन्हें अलग अलग जगह पर यूज़ करें, जैसे कि पिलोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेटिव ब्लैंकेट्स में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक्सेंट अगर हमें प्रोवाइड करना है अपने रूम में या कोई भी हाईलाइट करना है चीज़ों को तो हम लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बट एज अ फुल फिलर वी कांट यूज़ दोज ब्राइट कलर्स इन आवर बेडरूम्स। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लाइटिंग। वी ऑल कम फ्रॉम नेचर एंड कॉपिंग इट ऑलवेज अ गुड आइडिया। अब यहाँ पर हम नेचर को कैसे कॉपी कर सकते हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं लाइटिंग के बारे में। ठीक है, लाइटिंग में हमें कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे अगर हम लोग विंडोज़ प्रोवाइड करें तो जब भी हमारे रिलैक्स करने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, तो वहाँ पर हमें ब्लैकआउट चाहिए होता है, मतलब पूरा अंधेरा चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए विंडोज़ के ऊपर हमें कर्टन्स या फिर ब्लाइंड्स का इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा कि रात में एकदम वहाँ पर हम लोग अंधेरा क्रिएट कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेडरूम की लाइटिंग की, तो बेडरूम की लाइटिंग को कुछ इस तरह रखना चाहिए जिस तरह से हम लोग सनसेट के टाइम पर लाइट्स होती हैं। ठीक है, अब सनसेट के टाइम पर कैसे लाइट होती है? सनसेट के टाइम पर एक रिलैक्स्ड फीलिंग्स आती है, हमें एक काम फीलिंग आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सनसेट हमें इन्फॉर्म करता है कि अब जो है ये दिन जो है हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया और अब ये अपना रात वाला समय जो है वो रिलैक्स करने का टाइम है। इसलिए काम सेंसेशन जो है अपने को सनलाइट से सनसेट के टाइम पर मिलता है। ठीक है, अब यही एटमॉस्फेयर अपने को क्रिएट करना है अपने रूम्स के अंदर। ऐसा क्यों? सनसेट वाली लाइट ही क्यों? सनसेट के टाइम पर जो लाइट होती है वो वार्म होती है, सॉफ्ट होती है और इनडायरेक्ट लाइट होती है, जिससे हमें एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर मिलता है, एक रिलैक्स सेंसेशन मिलता है। अब यही लाइट्स को हमें जब हमारे रूम्स में क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग LED लाइट स्ट्रिप्स का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग लैंप्स का यूज़ कर सकते हैं, वार्म लैंप्स का, अपने लाइट एटमॉस्फेयर को सॉफ्टन अप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्ट टेक्सचर्स। सेंसेशन फॉर स्लीप कैन मेक अ डिफरेंस। अगर सॉफ्ट टेक्सचर्स के बारे में यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि हम लोग वॉल पर टेक्सचरिंग करें, ये सब सिर्फ पर्टिकुलरली वॉल्स की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। जैसे हम लोग अगर बात करें सॉफ्ट टेक्सचर्स की, तो जो टेक्सचर को हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लोरिंग को। ठीक है, फ्लोरिंग में एक सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल फ्लोरिंग को कंसिडर करते हैं कि हम लोग बेड को अप्रोच कर रहे हैं अपनी और फ्लोरिंग करके हम लोग जब मूव कर रहे हैं, बिलो द फूट सेंसेशन हुआ हमारा, वो थोड़ा सा हार्ड सेंसेशन और टफ सेंसेशन हुआ, जिससे जैसे हम लोग बेड पर जाएंगे तो इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं फील होगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हमारे फ्लोरिंग पर हमने एक रग प्रोवाइड कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर के साथ में, जो बहुत बढ़िया फील भी करें हमें, तो उसके थ्रू जब हम लोग अप्रोच करेंगे तो वो जो सॉफ्ट सेंसेशन है वो हमें पहले से ही आना चालू हो जाएंगे जब हम लोग अपने बेड पर पहुंचेंगे उससे पहले। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग टेक्सचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट टेक्सचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फ्लोरिंग्स में। ठीक है, और टेक्सचर इन द सेंस कोई भी चीज़ जिसे हम फील कर सकते, तो यहाँ पर सॉफ्ट सेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग टेक्सचर्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रग को भी काउंट कर सकते हैं, अपने ब्लैंकेट्स के अलग अलग लेयर्स को भी काउंट कर सकते हैं, पिलो कवर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है जब भी हम लोग सोने जा रहे हैं,
तो जो पिलो पर हम लोग कवर यूज करें या जो भी हम लोग पिलो का मटेरियल यूज करें वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग नेचुरल मटेरियल्स का यूज करें तो बहुत ज्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल होते हैं। तो कोशिश हमें करना है कि जब भी हम लोग इन सारी चीज़ों में डील करें तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, टेक्सचर्स यूज़ करते टाइम या फैब्रिक यूज़ करते टाइम अगर एक्जैक्टली बात करें तो। अब अगर आप लोग रूम में जा रहे हैं रिलैक्स करने के लिए, फिर वही बात आ जाती है। अब रिलैक्स करने टाइम हमारे को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, एक रिलैक्स फीलिंग चाहिए होती है। वो कैसे आएगी, जब हमारे पास सब कुछ वेल मैनर्ड होगा। ठीक है, अगर आपके रूम में क्लटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें रखी हैं, तो वहाँ पर एक जो एटमॉस्फेयर है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि बेड पर जाने के बाद आप कोशिश करो और सो भी जाओ, लेकिन जो एक पूरा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, एक पूरा रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर होता है, वो रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर अपने रूम में जब तक नहीं आ सकता जब तक अपने रूम में क्लटर रहेगा। ठीक है, तो पूरा क्लटर हटाने के लिए हम लोग कई सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग जो अंडर द बेड स्पेस है हमारी, उसको यूज़ कर सकते हैं अपने क्लॉथ्स और शूज़ वगैरह रखने के लिए। साथ ही साथ जो अपना कवर्ड, जो अपना हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट में हम लोग चाहें तो प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ शेल्फ्स वगैरह, या फिर हम लोग उसमें क्लोजेट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें हमारा सारा सामान रखा जा सके। इससे होगा ये कि जो हमारे पास में स्पेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाली स्पेस रहेगी, जिसमें मूवेबिलिटी बहुत बढ़िया होगी और एक क्लीनअप स्पेस रहेगी जो कि एक बढ़िया एटमोसफेयर क्रिएट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग नेचर और सेंस। नेचर और सेंस क्या, फिर से वही बात आ जाती है कि हम लोग नेचर से बिलोंग करते हैं, तो जितना ज़्यादा नेचर हमारे पास होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए कंफर्ट जोन होगा। ठीक है, अब कंफर्ट जोन क्रिएट करने के लिए हम लोग नेचर की बात करें, सेंस की बात करें, तो कुछ ऐसे सेंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स सेंसेशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वेनिला, रोज, जैस्मिन। अब ये सारे सेंस चाहे तो आप लोग डायरेक्ट सेंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर उससे भी बढ़िया आइडिया ये है कि आप लोग नेचर को इन्वॉल्व करें अपने रूम्स के अंदर। तो आप छोटे से प्लांट्स वहाँ पर पुट कर सकते हैं, जैसे कई सारे अलग अलग प्लांट्स होते हैं जो कि कम सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर एस्पेक्ट से आप लोग प्लांट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ सेंस होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं, जो कि अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स फील कराते हैं। सो बी क्रिएटिव, डेकोरेट योर रूम विथ योर फेवरेट फ्लावर्स और प्लांट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हम लोगों ने बेडरूम डिज़ाइन के बारे में पढ़े और जो कि हमें एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराएंगे हमारे रूम में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कुछ भी डाउट है बेडरूम डिज़ाइन के लिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वहाँ पर आपका आंसर करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।